हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मीटर बंद कैसे रखें और बिजली चालू कैसे रखें, मीटर रीडिंग ना आवे और सारे जुगाड़ को यानी मीटर के साथ क्या क्या जुगाड़ किया जा सकता है, किस तरीके से बिजली बंद करने का जुगाड़ है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो पहले आपको मैं एक मीटर दिखा देता हूँ जो कि मैंने बिजली से हटा के लाया है और यह पुराना मीटर है, रिजेक्ट हो चुका मीटर है जिसमें कुछ फॉल्ट होने के कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और यह रिजेक्ट मीटर है, यह प्राइवेट मीटर है और यह कोई सरकारी मीटर नहीं है, जो कि हर रूम के अनुसार अलग अलग मीटर को लगाया जाता है और इस मीटर से आप अपने घर में कई अलग अलग जो है कि रूम को सप्लाई दे सकते हैं। और इसको जो है कि अगर आप रेंट पे रूम दे रहे हैं तो अलग अलग मीटर लगवाते हैं लोग, तो उसी का ये मीटर है और यह मीटर एकदम लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है और यह रिजेक्ट होने के कारण इसको निकाल दिया गया है। तो मैं बात करने वाला हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि मीटर को यानी मीटर की रीडिंग को कैसे रोकें। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लीजिए यह मीटर है तो मीटर के यहाँ ऊपर तार का या कुंडली, तार का गोल कुंडली बना के रख देंगे तो मीटर रुक जाएगा। और उसके बाद आपने यह जुगाड़ देखा होगा कि जो इसका सेंसर होता है, सेंसर के सामने आप 1 रुपये का सिक्का चिपका देंगे तो बंद हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये जुगाड़ देखा होगा कि जैसे यहाँ हमारी सप्लाई होती है दो, यहाँ एक फेज होता है, एक जो है कि न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से जो है कि हमारी सप्लाई खम्भे से आके मीटर को जाती है और उधर से निकलती है जिधर से कि लाइन 1 लाइन 2 होता है, तो यानी फेज न्यूट्रल निकलता है। तो ऐसे में भी आप देखे होंगे कि वहाँ बताया जाता होगा कि आप जो है कि मीटर से सिर्फ फेज को इस्तेमाल करें, अर्थिंग के लिए आप अर्थ करा लें, अर्थ का इस्तेमाल करें, ऐसे में आपका मीटर कम चलेगा, कम बिजली आएगी, कम खर्च होगा। तो यह सब जुगाड़ एकदम बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी जुगाड़ नहीं है कि मीटर को आप बिना रीडिंग किए यानी मीटर को बिना चलाए या उसकी यूनिट को खर्चा किए आप किसी भी जुगाड़ से एक भी यूनिट या एक भी पॉइंट बिजली आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतना स्मार्ट मीटर हो चुका है और पहले भी इतना स्मार्ट आता था कि आप उससे चोरी नहीं कर सकते थे। तो अगर आप बिजली चोरी का बहुत सारा जुगाड़ देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बिजली चोरी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिजली मीटर बहुत ही हैवी क्वालिटी का आता है और उसमें अगर आप जो है कि अर्थिंग का प्रयोग करेंगे तो बिजली मीटर में शो करेगा कि आप अर्थिंग का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है कि आपका वह जो है कि यूनिट टोटल फेज के ही द्वारा गिन लेगा, चाहे आप फेज उसमें से यूज करें या आप न्यूट्रल यूज करें, चाहे जो भी यूज कर रहे हैं, चाहे चुंबक उस पर रख रहे हैं या फिर बाइक का। मैं देखा हूँ कि कई बार कि बाइक का जो है कि प्लग जो है कि स्पार्क प्लग रखा जाता है और दिखाया जाता है कि स्पार्क प्लग रख देने से बिजली का मीटर बंद हो चुका है। तो ऐसा कोई जुगाड़ है ही नहीं कि बिजली के मीटर को रोक सके। और बिजली के मीटर को ऐसे बहुत सारे जुगाड़ दिखाए जाते हैं जो कि झूठे होते हैं और ऐसे जुगाड़ देखने के बाद लोग परेशान होते हैं, काफ़ी अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कभी कभी कितने लोगों ने अपने मीटर का जो है कि सील को भी तोड़ दिया। तो अगर आप सील को तोड़ देते हैं या सील खोल देते हैं तो उसका आपको जुर्माना लग सकता है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।